अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी अपनी डॉक्टर ज़फ़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा तो व्यूअर्स, मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं एक आपके लिए चावल के पाउडर की रेमेडी लेकर आऊँगी। मैंने चावल का पाउडर आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया। मज़े की बात यह है कि जिस दिन मैंने चावल का पाउडर तैयार करना था, उस दिन मैंने सुखाने के लिए धूप में रखा तो बादल हो गए, और बड़ी मुश्किल से जो है पंखे के नीचे रख रख के, और बड़ा जो है वो इसको ड्रायर से हीट दे दे के मैंने इसको ड्राई किया, फिर मैंने इसको ग्राइंड किया। तो ये देखिए, ये चावल का पाउडर मैंने आपके लिए तैयार किया है, और आज मैं इसकी रेमेडी आपको बताऊंगी। इसकी मैं क्रीम बनाना आपको बताऊंगी, जो आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, बहुत मुफीद होगी। आपके फेस का कलर टोन चेंज करेगी, आपकी फेयर जो है वो टोन देगी आपके फेस को, आपकी स्किन को टाइट करेगी, ग्लो लेकर आएगी आपकी स्किन पर, और लाफ लाइन्स हैं उनको लाइट करेगी, बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स आपकी स्किन को देगी। चावल का पता है आपको, चावल स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन की ग्लो के लिए कोरिया में, चाइना में लोग इसको ज़्यादा, मलाइशिया में कितनी ग्लास स्किन है उसकी, वो चावल का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चावलों को बॉईल किया, उसका पानी है, उसके साथ फेस को धोया, फेस पे लगाया, तो उनकी स्किन ज़्यादातर चावल का पानी इस्तेमाल करने से, या चावल की क्रीम्स हैं या चावल के प्रोडक्ट यूज़ करने से, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, ग्लास ग्लो है उनकी स्किन, ग्लोइंग है उनकी स्किन, बड़ा बड़ा एकदम से कितनी खूबसूरत कोरियन स्किन आप देखें, देखकर रश्क आता है। तो चावल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। आप इसको डेली इस्तेमाल किया करें, लाजमी। बाज़ार के प्रोडक्ट हम महंगी महंगी 2500-2500-3000 की क्रीम्स हम लेकर आते हैं, पॉन्ड्स फ्लोलेंस है और लॉरियल क्रीम्स हैं, और बड़ी महंगी महंगी क्रीम्स हम लेकर आते हैं, उनके पैक लेकर आते हैं, नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, लेकिन उनका वो फ़ायदा नहीं होगा जो आपको घर पर आपकी ये छोटी सी चीज़ जो है, छोटी सी रेमेडी आपको फ़ायदा देगी। आप इसको ट्राई तो करें, मेरे कहने पर आप इसको ट्राई करना शुरू करें, और फिर आप इसके बेनिफिट्स देखें, आप इसके फ़ायदे देखें। इसको लड़के भी लगाएं, बच्चियां भी लगाएं, लेडीज़ भी लगाएं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा इसका मिलने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि आपने ये क्रीम कैसे बनानी है। इसमें हम एक स्पून भर कर पाउडर की ऐड करेंगे, ये देखें, एक स्पून भर के मैंने इसमें चावल का पाउडर, ये पाउडर देखें कितना फाइन पाउडर है और कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बारीक है, इसमें कोई जो है वो नहीं। ये देखें, ये देखिए आप किस कदर अच्छा पाउडर बना हुआ है ये, और मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको दिखाने के लिए कि आप यूज़ करें, आपको इसका फ़ायदा होगा। सेकेंड जो इसमें चीज़ डलेगी वो है एलोवेरा। आपके घर में अगर ताज़ा एलोवेरा लगा हुआ है तो उसकी तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा। मेरे पास लगा हुआ है वैसे गमले में, लेकिन मैंने बस मुझसे मिस्टेक हो गई, गलती हुई कि मैंने धूप में रख दिया, तो उसकी वजह से वो कुछ मुरझा सा गया, मतलब उसके पत्ते जो हैं वो इतने फ्रेश नहीं हैं, इतने ताज़ा नहीं हैं। तो मैं आपको ये एलोवेरा है ये अभी मैं इस्तेमाल करूँगी, कभी मैं अपने गमले भी आपको विज़िट करवाऊँगी, दिखाऊँगी, और मैं अपना एलोवेरा, अपने मनी प्लांट्स भी आपको दिखाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल हम इस मनी ये जो है एलोवेरा इसके साथ आज बनाएंगे। तो ये एलोवेरा हमने डालना है 2 चम्मच, ये देख लीजिए आप, 2 टीस्पून डालने हैं हमने एलोवेरा जेल के, ये देखें 2 स्पून हमने एलोवेरा जेल के, भर के ज़रा डालना था वो थोड़ा कम हो गया, चलिए जी ये 2 स्पून हमने डाल दिए एलोवेरा जेल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से मिलाना है कि आपकी ये एक क्रीम सी बन जाए, बहुत अच्छी सी फाइन सी क्रीम बन जाए आपके आपके पास इसकी रेडी हो जाए क्रीम। ये देखें, ये आपकी क्रीम इस शेप में आ गई है, ये देख रहे हैं आप। अब इसमें हमने थर्ड मिलानी है थोड़ी सी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का आपको पता है फेस पर झुर्रियाँ नहीं आने देती है, स्किन को टाइट करती है और आपका कलर टोन अच्छा करती है, इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। तो ये हमने इतनी सी इसमें ग्लिसरीन मिक्स कर दी, ग्लिसरीन हम रखते हैं यहाँ, इसको अच्छे से दोबारा जो है वो मिक्स करते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपने मिलाना है, मिक्स करना है, ताकि बहुत अच्छी सी ये जो है क्रीमी शेप आ जाए, क्रीम की शेप इसमें आ जाए ना, क्रीम जैसी ये बिल्कुल। ये देखें अब आप, ये बारीक पिसा हुआ पाउडर है, कोई इसमें दाना नहीं, कोई इसमें आपको जो है फेस पर चुभने वाली, इरिटेट करने वाली कोई चीज़ नहीं। अब इसमें हमने मिलाना है
विटामिन ई, विटामिन ई ये देखें कैप्सूल आप नॉर्मली ले लें स्टोर से मिल जाएंगे आपको, वो आप जितनी क्रीम बनाएं उस हिसाब से आप एक दो कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई का आपको पता है हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है, ये विटामिन ई हमने इसमें एक कैप्सूल, एक काफ़ी होगा, एक कैप्सूल हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी यकजान, मतलब बिल्कुल मिली हुई एकदम मिक्स। अब ज़रा आप इसकी शक्ल देखें, आ हा 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 क्या अच्छी लग रही, कितनी खूबसूरत शेप में आ गई और कितनी हसीन लग रही है, कितनी मज़े की, ये ज़रा आप देखें तो सही। और इसकी खुशबू ज़रा आप देखें, बिल्कुल हल्की हल्की स्मेल इसकी इतनी अच्छी लग रही है ना कि बस बात छोड़ दें, बड़ा ज़बरदस्त इसका ये तैयार हो गया। अब मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ, इसको आप थोड़ा सा लें इस तरीके से, आप फिंगर पर ले लें और ये लगाएं। अब ये देखें आप कितनी नरम और कितनी मुलायम है, ज़रा इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन के ऊपर चुभे या आपकी स्किन को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाए। घर की सारी चीज़ चावल है और एलोवेरा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को तंग करे, परेशान करे, आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म की कोई जो रेडनेस हो, कुछ नहीं ऐसा। आप इसको लगाएं हल्का हल्का इसका मसाज करके डेली। अच्छा आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसको एक हफ़्ता 7 days यूज़ कर सकते हैं, इसको आप बनाएं, बनाकर फ्रिज में रखें, आप मज़े से इसको सुबह में मुंह धोएं, फेस वॉश करें, उसके बाद थोड़ा सा लेकर आप इसको फेस पे लगा लें, रात को मुंह धोएं, रात को मुंह पर लगाकर आप इसको सो जाएं, आपकी स्किन की ग्लो आप देखें, एकदम से आपको अपनी स्किन फ्रेश फ्रेश पिंक पिंक और बड़ी जो है खूबसूरत नज़र आएगी ना, और आपको अपना आप बहुत अच्छा लगेगा, आप ख़ुद देख कर कहेंगे कि वाह जी वाह बड़ी अच्छी स्किन हो गई है। तो फिर आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको ऐसा लगा। मैं थोड़ा सा अच्छे से हाथ पे मसाज करके छोड़ती हूँ इसको, और आप भी इसको लगाएं लाजमी, और इसको फिर छोड़ें लगाएं, और रात भर भी आप इसको छोड़ दें, सुबह में भी आप इसको यूज़ करें, और फिर आप इसके रिजल्ट्स देखें। चलें जी ठीक है, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और मैं इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी किसी नई रेमेडी के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।